अपने जीवन में हम जैसे ही भटकते हैं वैसे ही हम अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। तो ये शब्द हमेशा याद रखें, जितना भटकेंगे उतना लक्ष्य से हटते चले जाएंगे। जो जीवन में उपलब्ध करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जो ख्वाब तमन्ना ख्वाहिश को पूरी करना चाहते हैं, वो सब अधूरी रह जाएगी अगर आप जीवन में भटकते चले जाएंगे। सो भटकें कम, अपने लक्ष्य को साधें। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं जीवन में उस पर फोकस करें। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, मुझे लगता है बहुत सारी बाकी सारी चीज़ें में उलझा देती हैं। फिर वो परिवार है, वो इमोशंस हैं, वो मोह हैं, वो बहुत सारे बवंडर हमें उलझाते रहते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बनना है जीवन में तो अर्जुन की तरह बने, जिसे सिर्फ और सिर्फ वो चिड़िया की आंख नज़र आ रही थी। ना पेड़, ना पत्ते, ना पौधे, ना चिड़िया, बस उसकी आंख। जब ये आंख नज़र आनी शुरू हो जाएगी जीवन में, तब आप अपने लक्ष्य को साध पाएंगे, वरना नहीं। सो डेवलप अ लेज़र शार्प फोकस, भटकन को कम करें, लक्ष्य को साधें और जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच वीशर वीक्रो। आपको पता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका शांत और स्थिर दिमाग। अगर आपका जहन, आपका दिमाग शांत है और स्थिर है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि जब ये दिमाग स्थिर नहीं होता, ये गुस्से में रहता है, ये चिड़चिड़ में रहता है, ये परेशान रहता है, ये भटकता रहता है, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ जाते हैं। आपके सामने जीवन के बहुत सारे दृश्य होते हैं, आप देख ही नहीं पाते, आपको सामने सामने चीजें नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग संतुलन में नहीं है, आपका दिमाग देख नहीं पा रहा है, क्योंकि आप काम नहीं है। सो द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट यू कैन इनटेक एंड इनकल्केट इन योर बीइंग इज टू काम योर माइंड इन एवरी सिचुएशन। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी विपदा, परेशानी, कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, बट स्वयं को स्थिर रखें, शांत रखें। बी स्टिल, बी काम, सो दैट यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। अक्सर मैंने देखा है कि जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, गुस्से में सामने चीजें पड़ी होती हैं, दिखती नहीं है। सामने रास्ता होता है, दिखता नहीं है। सामने बहुत सारी चीजें होती हैं, हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि दिमाग स्थिर नहीं है। तो दिमाग को स्थिर करें। काम योर माइंड, इट इज योर ब्यूटिफुल स्ट्रेंथ। इससे बड़ी स्ट्रेंथ कोई हो नहीं सकती। मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ, अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, इन एवरी सिचुएशन ट्राई टू काम योर सेल्फ, इन एवरी सिचुएशन ट्राई टू कूल योर सेल्फ, इन एवरी सिचुएशन ट्राई टू बी एब्सोल्युटली सेंटर्ड, बैलेंस एंड स्टिल, सो दैट यू कैन सी थिंग्स क्लियरली, सो दैट यू कैन लिव ब्यूटिफुली, सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल, हैप्पी एंड ब्लिसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच वीशर विक्रो। तीन सिंपल सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। ख़त्म तो नहीं होगी क्योंकि वो डिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कम ज़रूर हो सकती है। सबसे पहले तो घड़ी पहनना बंद कर दें क्योंकि सारी की सारी ओवर थिंकिंग टाइम से रिलेटेड है, और टाइम एक इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट है। मतलब टाइम कुछ एग्जिस्ट तो करता नहीं है, लेकिन चेंज के ज़रिए हमें टाइम का एहसास होता है। जब आप अपनी शक्ल को, अपने शरीर को आईने में देखते हैं कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो आपको कुछ बदलाव दिखता है। तो वो बदलाव आपको बताता है कि टाइम हैज़ पास्ड बाय, अदरवाइज टाइम इज़ जस्ट लीनियर। एवरीथिंग इज़ मोमेंट, 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 मोमेंट। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड पास्ट, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्यूचर, इट इज़ ऑल इन द माइंड, बिकॉज माइंड क्रिएट्स टाइम एंड द इल्यूजन ऑफ टाइम। तो खैर, ये काफ़ी डीप बात हो जाएगी, कभी फिर डिस्कस करेंगे, बट ट्राई टू अवॉइड फेयरिंग द वॉच। जितना टाइम से परे रहेंगे उतना ओवर थिंकिंग धीरे धीरे डिजॉल्व होने शुरू होगी। नंबर टू, कोशिश करें फ़ोन से दूर रहें।
फोन अपने आप में एक ऐसा गैजेट है जो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, जो अचानक से माइंड को फ्लक्चुएटिंग बना देता है। एक लम्हे पे आप कुछ और सोच रहे होते हैं, अचानक से किसी का मैसेज आ जाता है, आपका पूरा ध्यान वहां से हट के पॉइंट बी पे चला जाता है, फिर पॉइंट सी पे चला जाएगा, फिर पॉइंट डी पे चला जाएगा। तो थॉट्स कॉन्स्टेंटली वेवर होते रहते हैं, थॉट्स एक डायरेक्शन में जा ही नहीं पाते क्योंकि इतना सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन हमें फ़ोन से मिलती रहती है। तो जितना फ़ोन से थोड़ा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा थॉट्स को एक अलाइनमेंट मिलेगी, वरना थॉट्स सारे वेवर्ड हो जाते हैं, वो डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, एंड दैट्स वेयर वो सारे ज़िगज़ैग होके आपको तंग करते हैं, दैट्स वेयर द ओवरथिंकिंग स्टार्ट्स एंड द पैनिक एंड द एंग्शियसनेस बिगिंस एज वेल। सो जितना ज़्यादा आप फ़ोन से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका इंटरनल फोकस भी बना रहेगा, उतना ज़्यादा थॉट्स अलाइन भी हो जाएंगे, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी वाक शक्ति, आपकी क्रिया शक्ति में एक अलाइनमेंट आएगी, विच इज़ योर थॉट्स एंड द वर्ड्स यू आर स्पीकिंग एंड द एक्शंस यू आर डूइंग। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इन्वॉल्व कर सकते हैं स्वयं को तो या तो किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें एवरी डे, या फिर किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में, या फिर आप ऑल्टरनेट बांध सकते हैं, कुछ दिन स्पोर्ट्स कुछ दिन क्रिएटिव एक्टिविटी। आपको शायद ये बात स्वयं में याद करनी पड़ेगी, जब आप बचपन में कुछ खेलते थे किसी भी स्पोर्ट्स को तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगता था, खेलते रहते थे एंजॉय करते रहते थे, टाइम डिसअपियर हो जाता था आपके लिए, अरे पता नहीं लगता था 2 घंटे हो गए 3 घंटे हो गए। ऐसे जो लोग पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, कुछ भी किसी भी प्रकार की क्रिएटिव एक्टिविटी आप उनसे पूछेंगे तो उनको भी ऐसा लगता है, यार वो भी कहते होंगे कि पता नहीं लगा 3 घंटे कब निकल गए, हम डांस करते रह गए, हाँ बॉडी थोड़ी थक रही थी बट वी डिड नॉट रियलाइज वेयर डिड टाइम गो बाय। किसी भी प्रकार की क्रिएटिव एक्टिविटी आपके माइंड को शांत कर देती है, आपके थॉट्स को अलाइन कर देती है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप जीवन में उतार लेंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपकी ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने शुरू हो गई, एंड स्लोली एंड स्टडली इफ यू मेक इट अ हैबिट इट विल स्टार्ट टू डिसॉल्व एज वेल। आई होप दिस हेल्प्स, थैंक यू सो मच।